तो यहाँ पे गाइस मैंने 12,800 रुपये का ट्रेड ओपन किया है, ठीक है। और अकाउंट में देख सको कि 1,03,559 रुपये हैं। बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि क्या ऑल ऑन ट्रेड विड्रॉल देता है या फिर नहीं देता, तो देखो हमने देखा गाइस यहाँ पे इनवर्सल बॉलिंजर, उसके बाद सेकंड हमने देखा गाइस स्टॉस्टिक, क्योंकि स्टॉस्टिक का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, तो फिर आप वहाँ से 1 से 3 मिनट की ट्रेड ओपन कर सकते हो 1 मिनट के चार्ट पे। अगर आप लोग को चार्ट समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर इसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे। बाकी ये भी जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है और यहाँ से हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। राम राम डियर ट्रेडर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पे। और ट्रेडर्स, आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट के ऊपर हम लेके आ चुके हैं 100% वर्किंग स्ट्रेटजी के ऊपर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखिए कि मैंने 1 मिनट की ट्रेड ओपन करी है, जो कि शायद वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन किया है 12,800 रुपये का, ठीक। तो इसको क्लोज होने देते हैं, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रेड थी वो हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक बात गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाया जहाँ पे हमने 1 लाख रुपीज का जो टारगेट था, जो आप लोगों ने हमको चैलेंज दिया था, वो हमने क्रॉस करके दिखाया। तो आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओके। तो प्लीज आप लोग जाओ चैनल विजिट करो और देखो। और इसका जो ट्यूटोरियल वीडियोस था कि लाइक मैंने कैसे ट्रेड ओपन किया था, मैंने क्या किया था, वो सारी चीजें हमने शेयर किया है हमारे टेलीग्राम पे। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन है तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे एंड फर्स्ट कमेंट पे मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को कंटिन्यूसली डे बाय डे फर्स्ट फ्री सेशन लिया जाता है, सेकंड आप लोग को जो डेली अपडेट्स रहती है मार्केट का कि आज मार्केट में क्या रहेगा, वो सारी चीजें आप लोग के साथ वहां पे शेयर की जाती है, ओके। तो मेक श्योर आप लोग जाओ और ज्वाइन कर लो। सबसे पहले अपन बात कर देंगे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट के बारे में, ओके। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको एक स्ट्रॉन्ग मार्केट मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग मार्केट के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मार्केट में जो पहले नंबर पे आता है वो है यूरो यूएसडी, ओके। ये करेंसी बेस्ड मार्केट है, तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन रहता है वो पूरी डिपेंड रहती है न्यूज के हिसाब से, ओके। तो आप टुडे टाइम्स करके कोई न्यूज है, ओके, टुडे टाइम्स, या फिर आप गूगल पे जाके टुडे टाइम्स यूरो यूएसडी चार्ट ऐसा भी आप सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको सिंपली सा हर चीज बहुत डीपली बता दिया जाएगा, बहुत डीपली आपको चार्ट में शो कर दिया जाएगा कि आज मार्केट का प्राइस क्या है, ओके। उसके बदौलत आप बहुत अच्छा खासा यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप आओ और इसमें पैसे डालो, ना। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप लोग के लिए डेमो अकाउंट है, ओके। तो आप डेमो अकाउंट भी यूज कर सकते हो, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। कई लोग बोलते हो कि पेपर ट्रेडिंग करना है कैसे करें, तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, कि बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि क्या ऑल ऑन ट्रेड विड्रॉल देता है या फिर नहीं देता, तो देखो सिंपली सी बात है, आप गूगल पे जाओ सर्च करो बाइनरी मार्केट में सबसे अच्छा अभी कौन परफॉर्म कर रहा है, सबसे अच्छा जेनवन, ओके। और वहां पे जाके आप जेनवन लिंक पे ही क्लिक करना, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि रियल में मार्केट में कौन अच्छे से काम कर रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे फेक करेंसी बेस्ड मार्केट जो बना दिया जाता है वो भी है, ओके, और कुछ जेनवन भी है। तो आपको जेनवन पे जाना अभी आप लोग के ऊपर डिसाइड करते हैं, मेरे को बोलोगे तो मैं पर्सनली ऑल ऑन ट्रेड बोलूंगा, ठीक है। तो मैं पर्सनली इसको ही यूज करता हूँ, ठीक। तो मेक श्योर कि आप लोग जाओ और यूज करके देखिए, ठीक है। बाकी जिन भी लोगों ने रजिस्टर नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कीजिए एंड अपना डेमो अकाउंट एंजॉय कीजिए। बाकी गाइस ये वाली जो स्ट्रेटजी है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में ध्यान से सुनिए। स्ट्रेटजी के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मार्केट चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लिया, या तो आपको करेंसी बेस्ड मार्केट चाहिए, ठीक है, जैसे कि यूरो यूएसडी या फिर यूएसडी जापानी कैंडल या फिर यूरो यूएसडी बेस्ड जितनी भी और इसकी एक्सचेंज रहेगी आप उस पर जा सकते हो। सेकंड, देखो यहाँ पे एक बार फिर से मेरे को मूवमेंट मिल रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पे 1 मिनट के लिए ट्रेड ओपन करूंगा अप डायरेक्शन पे। सेकंड मोस्ट थिंग मैंने क्या देखा, मैंने देखा स्टॉस्टिक ऑस्किलेटर, ठीक है। स्टॉस्टिक ऑस्किलेटर अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, मैं यहाँ पे आपको पूरे डिटेल नहीं बताऊंगा, अगर कमेंट करोगे तो 2023 तो निकलने वाला, तो 2024 का एक न्यू वीडियो लेके आ जाएंगे जहाँ पे जो स्ट्रेटजीज रहेगी उसको अपन डीपली सर्च करके आप लोग को बताएंगे कि आपको कैसे यूज करना है, ओके। तो यहाँ पे गाइस मैंने 12,800 रुपये का ट्रेड ओपन किया, ठीक है। और अकाउंट में देख सकते हो कि 1,03,559 रुपये हैं, ठीक, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हो अगर आप पेशेंट रखोगे तो। क्योंकि 17 वीडियो मैंने क्रॉस किया है तब जाके मैंने ये 1 to 1 lakh क्रॉस किया। ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई कई लोग दिखा देते ना कि 1 to 1 lakh जस्ट यू मिनटों में समझ जाओ, ठीक। तो अगर ये ट्रेड हमारी लॉस जाती भी है गाइस तो अपन किसी और करेंसी पेयर में देख लेंगे। और एक बात जो मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि ट्रेड उतना ही स्टार्ट करना जितने का आप स्टेप 2 फॉलो कर सको, बिना स्टेप्स फॉलो किए आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लिटरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ओके। सो मैं बोल रहा था गाइस सिंपली से मनी मैनेजमेंट, आप चाहो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो और आप चाहो तो अपना पैसा लूज भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मनी मैनेजमेंट जो है उसको आपको सिर्फ 2 से 3 स्टेप फॉलो करना रहता है, अगर उसके बाद आपका लॉस होता है तो भाई उस दिन आपको बंद करके चुपचाप वहां से एग्जिट ले लेना रहता है, ठीक है।
और एक चीज गाइस, कई लोग बोल रहे थे कि रिस्क फ्री क्या यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या है क्या नहीं, तो बस वही है कि अगर आपके पास रिस्क फ्री ट्रेड है और आपको लगता है कि आपको यूज करना चाहिए तो बिल्कुल आप उसका यूज कीजिए। ओके सो ये ट्रेड मेरा लॉस गया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कुछ सेकंड्स के लिए सेम ट्रेड ओपन करूँगा। तो अब यहाँ से ट्राई करेंगे रिकवर करने का। ओके सो यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था 21,000 का, और उसके बाद मैंने डबल ट्रेड ओपन किया 5 सेकंड का। जरूरी नहीं है गाइस कि आप एक मिनट के करने जा रहे हो तो एक मिनट के ही करो, जहाँ पे आपको जैसा मूवमेंट मिल रहा है तो आप उस मूवमेंट के हिसाब से आप रिएक्ट कर सकते हो। ओके यहाँ पे कई लोग बोलोगे कि आपने क्या देखते हो ट्रेड ओपन करा, फर्स्ट थिंग हमने देखा गाइस यहाँ पे इनवर्सल बॉलिंजर, उसके बाद सेकंड हमने देखा गाइस स्टॉस्टिक, क्योंकि स्टॉस्टिक का यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। जब भी आप स्टॉस्टिक ऑस्किलेटर को फॉलो करो और उसका क्रॉसओवर हो जाया रहता है तो फिर आप वहां से 1 से 3 मिनट की ट्रेड ओपन कर सकते हो एक मिनट के चार्ट पे। अगर आप लोग को चार्ट समझ नहीं आता तो आप कॉमेंट कर सकते हो, फिर इसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताना गाइस, बिकॉज कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हमारा रील देख के आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे फेसबुक से आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहाँ से आ रहे हो। ओके बाकी ये भी जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है, और यहाँ से हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, जो 1,03,000 हमारा प्रॉफिट था वो अभी बढ़कर हो चुका है गाइस 1,03,000। एक टाइम पे इस अकाउंट में अभी 56,000 हो गए थे आप लोग के सामने। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप बोलोगे कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम बिल्कुल इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाएंगे डेडिकेट, जो सिर्फ रहेगा मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ओके और हाँ, जिन भी लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी आप जाके चेकआउट करो, बिकॉज वहाँ पे प्लेलिस्ट का मतलब ये नहीं कि हमने जस्ट मनी मैनेजमेंट के ऊपर बना दिया, फिर जितनी भी हमारी सीरीज है उन सभी के ऊपर हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप जाओ देखो और एंजॉय करो। बाकी गाइस जिन भी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे डेली बेसिस में आप लोगों को फ्री शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल लिया जाता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। सो हे गाइस, होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। ठीक है, और अगर आपको इसके प्रो वर्जन पे जाना है या फिर प्रो स्ट्रेटजी आपको इसकी जाननी है तो फिर आप वो भी कमेंट कर सकते हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना यार, आप कमेंट करोगे तभी जाके मेरे को पता चलेगा कि आप लोग को कौन सी स्ट्रेटजी की नीड है। ओके सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।